नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। आज हम चर्चा कर रहे हैं आम लोगों से, उनके विचार जान रहे हैं। आज क्या कहना है लोगों का बाबा राम रहीम जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। डायरेक्ट करते हैं लोगों से सीधी बात। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? सोहन पाल सिंह इंसा। कहाँ के रहने वाले हो सर आप? दिल्ली। क्या विचार है आपके बाबा राम रहीम जी को लेकर, किस तरह की छवि थी उनकी? डेरा सच्चा सौदा में आने के बाद हर इंसान के अवगुण ख़त्म होते हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां बनी हुई हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, उन बुराइयों को निकालने का तरीका यह मिलता है। दूसरी बात, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि सच्चा सौदा में एक ऐसी जगह है जहां राम से, आत्मा से परमात्मा मिलाने की जगह है। यहां चंदा चढ़ावा, मत्था टिकाई, पैरों से हाथ लगाने वाला कोई काम नहीं होता। क्यों? तो पैरों को हाथ लगाना तो अपने माँ बाप के लगाओ, गुरुजी की ये प्रेरणा है। हमेशा किसी की मदद करो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो, और जितना हो सके दूसरों की मदद करने के बारे में सोचो। खुद गर्ज ना बनो, परोपकारी बनो। और यहाँ पर आने के जो लोग कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में ये होता है, खुद आके देखें, और आकर देख भी रहे लोग, ऐसी बात नहीं है नहीं देख रहे, मगर सब दंग रह जाते हैं। यहाँ सारे बहन भाई हैं, बाप बेटे हैं, माँ बेटे हैं। जैसे अपने बराबर की है तो उसको बहन, और बड़ी अपने से तो उसको माँ, और छोटी है तो उसे बेटी की नज़र से देखते हैं, जैसे अपने परिवार में देखते हैं। तो यहाँ ये बुराइयाँ ख़त्म होती हैं। और जितना हो सके कोई अगर ये चाहता है कि मैं खुद प्रैक्टिकल करके देखूँ, तो जब गुरु जी आ जाएँ, गुरुमंत्र लें और गुरुमंत्र का प्रैक्टिकल करें। इसमें किसी की सिफारिश नहीं चलती, इसमें तो खुद ही प्रैक्टिकल करना पड़ता है, और प्रैक्टिकल करें फिर आपको खुद को पता लगेगा कि यह है क्या। बीमारियां ख़त्म होती हैं यहाँ पर। लंगर पानी जो खाते हैं हम लोग, ये भजन सिमरन करके बनाया जाता है, और इससे खा के बीमारियाँ, हजारों लोग ठीक हुए हैं यहाँ पर। ये सच्चा सौदा की बात है। बात की जाए डेरा में जो लोग जाते हैं, तो बाबा राम रहीम जी का उन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था? अपने बच्चे की तरह, आज 6 करोड़ 7 करोड़ जो अपने बच्चे की तरह देखा जाता है। आज तक किसी ने मीडिया ने दिखाया कि वैश्याओं को अपनी बेटी बनाकर उनकी शादियां कर रहे हैं, आज वो परिवार बना के चल रही हैं अपना, ऐसा कभी दिखाया? डेरा सच्चा सौदा को ब्लड पंप कहते हैं, ये कभी दिखाया किसी चैनल ने? 1000 यूनिट, 900 यूनिट हर महीने मिलिट्री को जाता था, किसी संस्था ने किया? नहीं किया। और क्या नहीं करेंगे? क्या क्या कारण है जो डेरा की जो असली जो छवि है, जो बाबा राम रहीम जी की जो असली छवि है, जो डेरा का असली सच है, जो लोगों को नहीं दिखाया जा रहा, क्या कारण है? इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, पर हाल इतना जरूँगा, सूरज को कोई छुपा नहीं सकता। किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो सूरज को छुपा ले। सूरज बादलों से छुपेगा, एक दिन छुपेगा, दो दिन वो सूरज निकलेगा, और वो सूरज निकलने वाला है, किसी की ताकत नहीं है जो उसे रोक दे। इतने समाज भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के लिए, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए बाबा राम रहीम जी जुटे हुए हैं, क्या लगता है इस वक्त उनकी समाज को ज़रूरत है? समाज को ज़रूरत बहुत है, मगर कुछ ऐसे हैं, आपकी दुकान चलने लग गई, आप अच्छे काम करने लग गए, ठीक है, और मेरा काम बुराई की तरफ है, तो मैं आपसे जरूँगा, मैं कोशिश करूँगा आपको रोका जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस तरह का व्यवहार है। और सच, डेरा सच्चा सौदा सच था, सच है और सच ही रहेगा।